Wordology IBC Lesson 8. Akbar ascended. Ascend मतलब होता है चढ़ना. Ascend. Akbar ascended the throne at a tender. अपने बुक में बना लेंगे tender नहीं हुआ tender. T-E-N-D-R. Throne मतलब होता है सिंहासन. राज सिंहासन गद्दी. At a tender age of, tender मतलब होता है नाजुक, नाजुक, कच्ची उम्र, वैसे tender मतलब आप समझते हैं चित्तारी का भी जो tender निकलता है उसको भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे और मीनिंग हैं. At the age of 14, 14 साल की उम्र में अकबर राजगद्दी पर मात्र 14 साल की उम्र में सवार हो गया, चढ़ गया, बैठ गया. अब देखो मीनिंग दिया है टू एसेंड, इसका अपोजिट क्या होता है डिसेंड. एसेंड मतलब चढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना, और डिसेंड मतलब हो गया नीचे की ओर जाना. अब देखो टू एसेंड जिसका उल्टा हो गया डिसेंड मीन्स मतलब हो गया टू मूव. यहाँ पे आर नहीं होगा, आप करेक्ट कर लेंगे. टू मूव फ्रॉम ए लोअर टू ए हाइयर लेवल मतलब निचले स्तर से ऊंचे वाले स्तर तक जाना. अर्लियर, अर्लियर मीन्स पहले, अर्लियर मीन्स पहले. अकबर वाज ए प्रिंस, प्रिंस मीन्स राजकुमार. पहले अकबर क्या था, एक राजकुमार था. When he ascended the throne, जब वो राजगद्दी पे चढ़ गया, he became a king, तो एक राजा बन गया. So he moved from a lower to a higher level, तो इस तरह से वह निचले स्तर से ऊंचे वाले स्तर पर चला गया. Remember, याद करो, how you put numbers in एंड असेंडिंग ऑर्डर. आप याद कीजिए किस तरह से संख्या को हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखते हैं. क्या करते हैं, मूविंग फ्रॉम लेसर टू द हायर वैल्यूज, कम वैल्यू वाले से हम ज्यादा वैल्यू वाले की तरफ, मूल्य वाले की तरफ बढ़ते हैं. राइट विंग पॉलिटिक्स हैज बीन इन द असेंडेंट इन द रिसेंट ईयर्स. देखो यहाँ पे टर्म है राइट विंग पॉलिटिक्स, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस. इसको आपको समझना पड़ेगा राइट विंग पॉलिटिक्स क्या होता है. देखो राइट विंग पॉलिटिक्स समझने के लिए हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, चलो मैं आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. देखो ये राइट विंग पॉलिटिक्स, ये वास्तव में फ्रांस से आया हुआ शब्द है. फ्रांस में 18वीं शताब्दी में 1770 के आसपास की बात मैं बताता हूं. फ्रांस में क्या था कि किंग रहता था, किंग, तो किंग का शासन था. तो कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि किंग का ही शासन बना रहे, और वो इसके समर्थक थे, सपोर्टर थे. तो वो कहां बैठते थे पार्लियामेंट में, राइट में. वो बदलाव नहीं चाहते थे, वो चाहते थे राजा ही ठीक है. वो खास करके जो अमीर लोग थे, ये लोग को राजा विशेष सुविधा भी दे रखा था, तो ये लोग चाहते थे कि राजा के ही शासन रहे. लेफ्ट में खास करके गरीब लोग थे, ये इसका विरोध करते थे, राजा का अपोज करते थे. और ये इनका मानना था क्या कि नहीं, यहाँ पे प्रजातंत्र हो, यहाँ पे ज्यादा लिबर्टी मिले. तो ठीक इसी तरह से अभी देखो हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है भारत में, आप देखोगे बीच में स्पीकर बैठे रहते हैं, और राइट में कौन बैठते हैं, सत्ताधारी.
ruling party. और लेफ्ट में कौन बैठते हैं? अपोजिशन. तो जो सरकार है उसके विरोध में जो बात बोलने वाले लोग होते हैं वो अपोजिशन में होते हैं. तो ये होते हैं राइट विंग. और विंग मतलब क्या होता है? पंख. तो राइट विंग पॉलिटिक्स और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स. वैसे इसके में बहुत डिटेल्स है, आप जीके जीएस में विशेष रूप से पढ़ेंगे. अगर बावजूद इसके इफ यू वांट टू नो अबाउट इट यू कैन कॉन्टेक्ट मी सेपरेटली, आई कैन टेल यू अबाउट इट. देखो ये राइट विंग पॉलिटिक्स, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स. वैसे अपने भारत में इसके कई स्वरूप देखे जाते हैं. वामपंथ लोग जो है जिनका खास करके केरल और साउथ इंडिया में काफी वर्चस्व है. चलिए हम देखते हैं यहाँ राइट विंग पॉलिटिक्स मतलब क्या. सत्ताधारी लोगों के समर्थन में जो लोग ज्यादा होते हैं उनकी पॉलिटिक्स हैज बीन इन द एसेंडेंट. इन द एसेंडेंट मतलब होता है प्रभावशाली. इन द एसेंडेंट मीन्स प्रभावशाली. इन द रिसेंट, रिसेंट ईयर्स मतलब हाल के सालों में. That is, अर्थात it has been having a controlling influence, अर्थात इसका एक नियंत्रणकारी प्रभाव रहा. influence means प्रभाव. The act or process of going up is called ascent. कहते कोई क्रिया या प्रक्रिया ऊपर जाने का जो है वो कहलाता है ascent, चढ़ाई. Everyone in this world loves to be engaged in ascent. इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति चढ़ाई में शामिल होने से प्यार करता है, मतलब सब चढ़ाई में शामिल होना पसंद करता है. इवन एन एसेटिक, यहां तक कि एक एसेटिक भी, एक साधु भी, एक संत भी. नाउ हु इज ही? अच्छा, ये एसेटिक कौन होता है? वन हु हैज अ वे ऑफ लाइफ, ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच है, जीवन है, दैट इज सिंपल, एकदम साधारण है. स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त. यूजुअली साधारणतया बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस बिलीफ्स, उसके धार्मिक विश्वास के कारण. रिलीजन से बन गया रिलीजियस, रिलीजियस मतलब धार्मिक. बिलीफ्स मतलब विश्वास. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही प्रैक्टिसेज ऑस्टेरिटी. ऑस्टेरिटी मतलब होता है संयमता, संयमता. So an ascetic may not place, place देखो यहाँ place verb के रूप में use किया गया है. Place verb के रूप में जब use होता है तो होता है रखना, और noun के रूप में use होता है तो हो गया स्थान. तो देखते हैं. So an ascetic may not place much value on going up the corporate. Corporate मतलब होता है व्यवसाय. A ladder मतलब सीढ़ी. For physical pleasure, pleasures means खुशी. Comforts means आराम. कहते हैं कि हो सकता है एक साधु जो हो शारीरिक खुशी एवं आराम के लिए व्यवसायिक सीढ़ी पर चढ़ने को महत्व ना दे, बट ही डज वैल्यू, लेकिन वो महत्व देते हैं स्पिरिचुअल एसेंट की, मतलब आध्यात्मिक एसेंट वाला चढ़ाई की. वो भी तो धर्म की में चढ़ाई चढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, भगवान के नजदीक जाना चाहते हैं. तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, धार्मिक. चलिए आगे देखते हैं. आई एस्पायर टू बिकम ए सुपर स्टार. आई एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है आकांक्षा रखना. आकांक्षा रखना मतलब क्या? इच्छा करना, बनने की चाहत रखना. I aspire to become a superstar. मैं एक superstar बनने की आकांक्षा रखता हूँ, चाहत रखता हूँ. That is, अर्थात
I have an ambition. Ambition मतलब लक्ष्य. To achieve the glory. Glory मतलब गौरव. आपको बढ़िया जानते हैं कि गौरव क्या होता है? सम्माननीय पद या सम्मान. Like me, मेरे जैसे. However, किंतु. There are several aspirants. देखो aspire से बन गया aspirants. वैसे आप सब लोग जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो लोग क्या है? एस्पिरेंट्स ही तो है. इसको बोलते हैं अभ्यर्थी, मतलब नौकरी की चाह रखने वाला, कोशिश की चाह रखने वाला. देयर आर सेवरल एस्पिरेंट्स, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं. इट इज ऑब्वियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्वियस, मतलब स्पष्ट. इट इज ऑब्वियस देन, यह स्पष्ट है कि ओनली ए फ्यू पर्सन्स, यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस लगा लेंगे आप, एस्पिरेशंस विल बी फुलफिल्ड, कि केवल कुछ ही लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो पाएगी. द रेस्ट, रेस्ट मतलब हो गया यहाँ बाकी. देखो इसी स्पेलिंग का आराम भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन के रूप में प्रयोग कर दिया गया. रेस्ट से पहले द लगा, इसका मतलब नाउन बनाया था, मतलब रेस्ट मतलब क्या हो गया, बाकी. द रेस्ट बाकी या शेष विल हैव टू रेस्ट कंटेंट. कंटेंट मतलब संतुष्ट. With lesser things, उन्हें कम चीजों से संतुष्ट होना पड़ेगा, संतुष्ट बने रहना पड़ेगा. अब यहाँ रेस्ट हो गया भर्ब के रूप में. रेस्ट कंटेंट मतलब संतुष्ट होना. If they do not, अगर वे संतुष्ट नहीं होते हैं, they would have headaches, सर दर्द. They would then have to resort, resort मतलब सहारा लेना. टू एस्प्रिन, आप जानते हैं एस्प्रिन एक दवा की नाम है. एस्प्रिन इज एन, एन नहीं होगा ए होगा. एस्प्रिन इज ए माइल्ड ड्रग, माइल्ड मतलब है हल्की, और ड्रग मीन्स दवा. एस्प्रिन एक हल्की दवा है विच रिड्यूसेज, रिड्यूस मतलब होता है कम कर देना, पेन मीन्स दर्द. And fever, fever means bukhar. I am assailed with doubts and fears. Assailed मतलब होता है घेर लिया जाना, धावा बोल दिया जाना. देखो passive है. I am assailed with doubts and fears. मेरे ऊपर doubts मतलब शक और fears मतलब डर. मेरे ऊपर डर और शक ने क्या किया, धावा बोल दिया है. What if, क्या होगा अगर. If I would also become an aspirin addict, addict मतलब आदि. क्या होगा अगर मुझे भी aspirin की लत लग जाए, आदत हो जाए तो. I should rather consult my parents. ज्यादा अच्छा होगा कि मैं अपने माता पिता से संपर्क करूं. Rather का प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए, के बजाय के अर्थ में. I should rather consult my parents. ज्यादा अच्छा होगा कि मैं अपने माता पिता से संपर्क करूं. Before going further, further means आगे. Before going further with my ambition, अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने से पहले ज्यादा बेहतर होगा कि मैं अपने माता पिता से संपर्क कर लूं. If they assent, assent मतलब होता है सहमत होना. If they assent, अगर वे सहमत होते हैं. देखो यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है agree after careful consideration. Consideration मतलब होता है विचार. कहता है विचार करने के बाद किसी बात पे ध्यान देना. To my idea, अगर वे मेरे विचार पे सहमत होते हैं, मेरे राय से सहमत होते हैं. Only then could I take a decision. केवल तभी मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा. I must also assess. Assess means होता है मूल्यांकन करना, आंकना. आंकना, आकलन करना. I must also assess my own ability. मुझे अपनी क्षमता का भी आकलन करना चाहिए. That is, अर्थात I must consider it. मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए. And find out whether I am fit for becoming a superstar. और मुझे देखना चाहिए कि मैं एक superstar बनने के लायक हूँ या नहीं. Are you assiduous? Assiduous मतलब होता है मेहनती, लगनशील.
Are you assiduous in learning English? क्या आप अंग्रेजी सीखने के प्रति मेहनती और लगनशील है? That is अर्थात are you working hard? क्या आप कठिन मेहनत कर रहे हैं? And learning English with care and dedication? और आप ध्यान से और समर्पण के साथ क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? तो डेडिकेशन मतलब क्या हो गया? समर्पण. समर्पण मतलब क्या होता है? जो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते किसी काम के प्रति. आई एज्यूम यू आर, मैं मानता हूं कि आप हो. यहां एज्यूम का मीनिंग हो गया मानना. When I assume a thing, जब मैं किसी चीज को assume करता हूँ, I believe it to be true without actually having its proof. अगर मैं किसी चीज को assume करता हूँ, तो मैं उस चीज को सही मान लेता हूँ बिना कोई साक्ष्य मिले. I assume या assume is used in a few other senses. Sense मतलब अर्थ. Also, कहता assume word का प्रयोग कुछ अलग अर्थ में भी किया जाता है. When we say, जब हम कहते हैं that the army assumes control of the government, as often happens in countries like Pakistan, जैसे कि पाकिस्तान जैसे देशों में होता है, we mean that हमारा मतलब होता है कि the army takes power, कि आर्मी जो है ताकत ले लेती है, सत्ता अपने हाथ में ले लेती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उतर जाए तो अपने हाथ में ले लेती है. अब देखिए फिर से समझते हैं. Assume is used, assume का प्रयोग किया जाता है कुछ अन्य अर्थों के में, सेंस में भी. जब हम कहते हैं कि किसी देश में कि आर्मी ने सेना ने क्या किया है, सरकार को अपने नियंत्रण में ले लिया है, एज्यूम कर लिया है मतलब अपने नियंत्रण में ले लिया है. वी मीन दैट, हमारा तब हमारा क्या मतलब होता है, दैट द आर्मी टेक्स पावर, की आर्मी ने पूरा सत्ता ले लिया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व ले लिया है. देन थिंग्स एज्यूम ए न्यू शेप, तब चीजें एक नया आकार लेना शुरू कर देती है. अब यहां मीनिंग हो गया शुरू कर देना, ठीक है. Then things assume a new shape, तब चीजें नया आकार लेने लग जाती है. Do not assume, assume मतलब अब यहां हो गया दिखावा करना. तो अब सेंटेंस के अर्थ के आधार पे एक ही वर्ड है assume, जिसका अलग अलग मीनिंग लगता है. आप बार बार पढ़ेंगे अर्थ समझ में आएगा. Do not assume, assume मतलब क्या होता है, pretend, इसका भी मतलब वही होता है दिखावा करना. To have an air of knowledge, ज्ञान का घमंड, if you do not have a thing, अगर कोई भी चीज नहीं है तो. कहते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज के बारे में ज्ञान नहीं है तो फिर दिखावा मत कीजिए कि वो चीज आपके पास है, ज्ञान आपके पास है. चलिए एक बार पूरा पढ़ लेते हैं एक बार हिंदी के साथ. अकबर ascended the throne at a tender age of 14. अकबर 14 साल के कम उम्र में, कच्ची उम्र में, बाली उम्र में राजगद्दी संभाल लिया. To ascend, opposite descend, जिसका उल्टा होता है descend, means मतलब होता है to move from a lower to a higher level, कि निम्न स्तर से, नीचे वाले स्तर से ऊंचे स्तर पे जाना. Earlier अकबर was a prince, पहले अकबर एक राजकुमार था. When he ascended the throne, जब वो राजगद्दी पे सवार हो गया, he became a king, वो एक राजा बन गया. So he moved from a lower to a higher level. तो वो इस तरह से निचले स्तर से ऊंचे वाले स्तर पे चला गया. Remember how you put numbers in an ascending order. याद करिए किस तरह से आप संख्याओं को ascending order में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं. क्या करते हैं? Moving from lesser to the higher level. अब क्या करते हैं, कम वैल्यू वाले चीजों से ऊंचे वैल्यू वाले चीजों में जाते हैं. राइट विंग पॉलिटिक्स हैज बीन इन द एसेंडेंट इन रिसेंट इयर्स. राइट विंग पॉलिटिक्स हाल के सालों में बहुत प्रभावशाली रहा है. दैट इज अर्थात इट हैज बीन हैविंग अ कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, अर्थात इसके पास नियंत्रण करने वाले प्रभाव रहा है. द एक्ट, कोई क्रिया और प्रोसेस ऑफ गोइंग अप इज कॉल्ड एसेंट, ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है एसेंट. Everyone in this world loves to be engaged in ascent. इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम चढ़ाई में शामिल हो. Even an ascetic, यहाँ तक कि एक ascetic भी. ये ascetic क्या होता है? Now who is he? ये कौन होते हैं?
One who has a way of life that is simple and rustic, ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन सरल एवं सख्त है, usually because of his religious beliefs, खास करके उसके धार्मिक विश्वास के कारण. In other words, दूसरे शब्दों में, he practices austerity, अर्थात वो बड़ी संयमता का अभ्यास करते हैं, संयम रखते हैं. So an ascetic may not place much value on going up the corporate ladder for physical pleasures and comforts. तो कहता है, हो सकता है कि एक साधु शारीरिक सुख एवं आराम के लिए व्यवसायिक सीढ़ी पर चढ़ने को ज्यादा महत्व ना दे, बट ही डज वैल्यू ए स्पिरिचुअल एसेंट, लेकिन वो आध्यात्मिक चढ़ाई का महत्व तो देता है, आध्यात्मिक रूप से वो चढ़ना चाहता है. I aspire to become a superstar. मैं एक superstar बनने की आकांक्षा रखता हूँ. That is अर्थात I have an ambition to achieve the glory. अर्थात मुझे इस गौरव को प्राप्त करने का लक्ष्य है. Like me, मेरे जैसे. However, किंतु there are several aspirants. बहुत सारे अभ्यर्थी हैं. It is obvious then. तब यह स्पष्ट है that only a few persons' aspirations will be fulfilled. कि केवल कुछ ही लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो पाएगी. The rest will have to rest content with lesser things. बाकी लोगों को कम चीजों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा. If they do not, अगर वे नहीं होते हैं, they would have headaches, तो उन्हें सर दर्द होगा. They would then have to resort to aspirin, तब उन्हें aspirin का सहारा लेना पड़ेगा. Aspirin क्या होता है? Aspirin is a mild drug. Aspirin एक हल्की दवा होती है, which reduces pain and fever, जो दर्द एवं बुखार को कम कर देती है. I am assailed. मुझे पे धावा बोल दिया गया था डर एवं भय से, शक से. What if I would also become an aspirin addict? क्या होगा अगर मुझे भी aspirin की लत लग गई तो, मुझे भी आदत लग गई तो. I should rather consult my parents before going further with my ambition. कहता है कि मुझे अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने से पहले मुझे अपने माता पिता से सलाह ले लेना चाहिए. If they assent, अगर वो सहमत होते हैं to my idea, मेरे विचार से, only then could I take a decision, केवल तभी मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा. I must also assess my own ability, मुझे अपने क्षमता का भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए, आकलन कर लेना चाहिए, अर्थात मैं उसके लिए फिट हूँ कि नहीं. That is, अर्थात I must consider it, मुझे इस बात पे ध्यान देना चाहिए. And find out, मुझे खोजना चाहिए whether I am fit for becoming a superstar, कि मैं superstar बनने लायक हूँ भी कि नहीं. चलिए लास्ट स्टेंजा में चलते हैं. Are you assiduous in learning English? क्या आप इंग्लिश सीखने के प्रति लगनशील और मेहनती हैं? That is, अर्थात Are you working hard? क्या आप कठिन मेहनत कर रहे हैं? And learning English with care and dedication, और बड़ी सावधानी और समर्पण के साथ इंग्लिश सीख रहे हैं. I assume, मैं मानता हूं कि आप कर रहे हो. When I assume a thing, जब मैं कोई चीज को assume कर लेता हूं, मैं तो मान लेता हूं. I believe it to be true without actually having its proof. मैं इसको सही मान लेता हूं, वास्तव में बिना किसी साक्ष्य के ही. Assume is used in a few other senses also. Assume शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थों में भी किया जाता है. When we say that the army assumes control of the government, जब हम कहते हैं कि आर्मी ने, सेना ने सरकार पर अपना नियंत्रण कर लिया है, मतलब क्या हुआ? We mean that the army takes power or responsibility. हमारा मतलब है कि आर्मी सत्ता एवं उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती है. Then things assume a new shape. तब चीजें एक नया रूप लेना शुरू करती है. Do not assume या pretend to have an air of knowledge if you do not have, if you do not know a thing. कहता है, अगर आपको कोई चीज मालूम नहीं है तो आप उस चीज को होने का ढोंग मत रचिए, दिखावा मत कीजिए कि कोई चीज का ज्ञान है. तो इस तरह से आपका ये खत्म हो गया. थैंक यू वेरी मच. आई होप कि आप इसको लिख लिया होंगे. एंड एवरीबॉडी शुड मेक अ सेपरेट कॉपी. इसको बार बार पढ़िए, याद करिए.